बढ़िया नंबर दिख रहा है तू बढ़िया इसको क्या करना एक ही बार करना गो दीदी इस तरफ आ जाओ बाबू सब लगेगा सब लगेगा भी जाएगा आ जाओ आई एम ओनली डूइंग इट फॉर यू इफ यू कैच इट ओके रेडी 3 2 1 Oh, you're gonna break your head. I got a knife, right? Oh, fuck! थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने देखा कि नहीं देखा एकदम ठीक है नहीं मैं मानता हूँ आप लोग का बहुत बिजी रहते हैं आप लोग भी मुझे बहुत पसंद आया शुक्रिया यार बस यही कहना चाहूँगा सभी को सारे फैंस को और जितने भी अमेज़ॉन प्राइम के कस्टमर हैं और पूरी दुनिया में जिन लोगों ने ब्रीथ देखा और हमें इतना प्यार दिया है और सराहाया है और स्पेशली मेरे कैरेक्टर को कबीर सावंत को जिस तरह सबने यू नो अपनी लाइफ्स में एक्चुअली ओन किया है मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे करियर में मेरे लाइफ में यू नो हम सब जब एक्टिंग करने आते हैं एक्टर बनने आते हैं बॉम्बे में हम सोचते हैं कि ऐसा काश एक दिन हमारे साथ ऐसा होगा जब आप कोई एक ऐसा किरदार करेंगे जिसके लिए आपको सराहना होगी आपकी आपको प्यार मिलेगा और हालांकि मेरे साथ थोड़ा बहुत हो चुका है पहले कायपोछे में बहुत प्यार मिला सुल्तान में बहुत प्यार मिला लेकिन इस बार जो ब्रीथ का जो जो कहते हैं ना क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है इसने मुझे मैं बहुत खुश हूँ एंड यही कह सकता हूँ कि यूं ही मेहनत करते रहूँगा और ऑडियंस का और फैंस का सपोर्ट रहे साथ में so, अमित देखा जाए तो आपने टीवी किया रियलिटी शोज किया वेब सीरीज की फिल्म्स किया तो क्या चीज़ें आपको सिमिलर लगी क्या डिफरेंट लगा यार मैं तो एक मजदूर हूँ मैं मुझे लगता है एक आर्टिस्ट और एक मजदूर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता एक मजदूर है अपना बैग लेके अपना झोला लेके जो उसके टूल्स होते हैं हैमर चिजल या उसके जो यू नो वो लेके जाता है कहीं बिल्डिंग में कभी काम करता है कभी बड़ी बिल्डिंग में काम करता है कभी छोटी बिल्डिंग में काम करता है कभी थोड़े मरम्मत का काम करता है कभी यू नो सड़क बनाता है कभी सड़क तोड़ता है तो मैं अपने आप को वैसे ही समझता हूँ कि मेरा अपना झोला है मेरे टैलेंट का वो लेके जहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जहाँ काम मिलता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और ये खुदा का भगवान का अनुग्रह है मुझ पर कि मुझे काम मिल रहा है फिर भी अभी तो आप एज ऑडियंस किस तरह देखते हैं वेब सीरीज एंड फीचर फिल्म्स को मैं भी एक ऑडियंस हूँ आपकी तरह यार मुझे भी पिक्चर देखना पसंद है मेरे भी स्टार्स हैं मेरे भी ख्वाहिशें हैं या कुछ तरीके की फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद आती हैं मैं आईमैक्स में पिक्चर देखना बहुत पसंद करता हूँ और आजकल पूरी दुनिया डिजिटल देख रही है तो मैं भी उसका शिकार हूँ मैं भी बहुत शोज़ देखता हूँ डिजिटल पे और अच्छा है आई थिंक इंडिया में भी अब ये शुरू हो रहा है ट्रेंड और लोग देख रहे हैं यू नो इंटरनेट काफ़ी इंटरनेट भी हिंदुस्तान में जा रहा है 4G आ गया है गांव कस्बे यू नो छोटे शहर वहाँ तक के अब इंटरनेट चला गया है सो अब आपको किसी बड़े पिक्चर हॉल में जाकर एक सिर्फ पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है आज आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल आईपैड पे भी देख सकते हैं सो अच्छा है मैं अपनी बाइक पर बहुत भरोसा करता हूँ क्योंकि मैं बहुत तेज चलाता हूँ तो बाइक पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है बट उसकी ट्रेनिंग भी लेता हूँ अभी कैलिफोर्निया राइडिंग स्कूल से मैं लेके आया हूँ ट्रेनिंग चेन्नई और आई मीन टू बी ऑनेस्ट आई मीन मेरा लाइफ में पैशन यही है बाइक चलाना मैं और माउंटेन क्लाइंब करना बहुत पसंद करता हूँ रॉक क्लाइंबिंग ट्रैक यू नो माउंटेनियरिंग बहुत पसंद है मुझे मेरा ड्रीम है लाइफ में कि एक दिन मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता हूँ सो यही शौक है बट ज़रूरी है लाइफ में आई थिंक लाइफ में शौक और रिचुअल ये सब होने बहुत ज़रूरी है ये सब जब रहता है आपकी लाइफ में आपकी लाइफ जो है वो ज़रा सही जगह जाती है आपकी जो एनर्जी वो सही तरीके से चैनलाइज होती है बिल्कुल करेंगे अपने स्टंट भी खुद करेंगे देता ही नहीं है कोई पर आई होप ब्रीथ के बाद जैसे आप बोल रहे हैं अब शायद लोग और काम देंगे और ऐसे रोल देंगे बाइकिंग के और यू नो ट्रैकिंग के और फाइटिंग के सो फिटनेस की बात करी जाए तो बहुत फिट लग रहे हैं और हमेशा इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरीज भी देखने मिलती है फिटनेस से रिलेटेड तो उस पे क्या कहना है आपका
एक शौक है यार, और फैंस हैं, दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पे तो शेयर कर लेता हूँ, ऐसा कुछ शो ऑफ करने की बात नहीं है। और मैं यार सरल चीज़ों में विश्वास करता हूँ, सरल जीवन जीता हूँ, सरलता से काम करता हूँ और सरल सोच रखता हूँ। यू नो आई थिंक एक्टिव माइंड और एक्टिव बॉडी होनी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको जो पसंद आया करें। मुझे बाइकिंग, ट्रैकिंग और खेलकूद पसंद है, मैं साइकिलिंग बहुत करता हूँ और फिजिकली फिट रहता हूँ। यार कोई मंत्रा नहीं है मेरे पास। यू नो सबसे पहले तो आप जो 24 घंटे फ़ोन पे रहते हैं वहाँ से हटें और एक दूसरे से मिलें और कुछ भी करें यार, हिलो बस, पहले हिलना शुरू करो और जो पसंद आए करें। आई मीन इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग, आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए। कब हुआ था ये, कौन से सन की बात कर रहे हो तुम? आगे जाकर जैसे भी आगे बढ़ते हो कहते चल आगे बढ़ो। जी मैं सोचता हूँ राजकुमार इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और उनकी अभी एक और ट्रेलर कल रिलीज़ हुआ है, बहुत अच्छा ट्रेलर लगा मुझे। एंड मैं एक्चुअली राजकुमार राव एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी पिक्चर रिलीज़ होने का मैं एज एन ऑडियंस वेट करता हूँ। तो बात की जाए तो आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो गोल्ड का टीजर आ चुका है जी, बहुत ही पसंद किया जा रहा है। थैंक यू। और आपका किशन किशन लाल आई थिंक, नहीं आपको आपने कोई दूसरा ट्रेलर देखा लग रहा है। आपके किरदार का नाम तो क्या कहना चाहेंगे गोल्ड के बारे में? अब यही है कि टीज़र आया और टीज़र को बहुत सराहा गया ऑडियंस ने, हिंदुस्तान ने और अक्षय सर के फैंस ने, और सब ने बहुत इन्जॉय किया वो टीज़र। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये तो टीज़र है, हमारी पिक्चर से ज़्यादा बेहतरीन होगी। हम सब ने मिल के बहुत मेहनत की, रीमा काटकी की फिल्म है, उनकी फिल्में हमेशा बहुत उमदा होती हैं। मेरे प्रोड्यूसर हैं जो एक्सेल, और ये इस फिल्म में हम सभी ने बहुत मेहनत की है, और मेरी लाइफ में मैंने इतनी मेहनत कभी किसी फिल्म के लिए नहीं की। बहुत उत्तेजित हूँ और आज जैसे आप वेट कर रहे हैं मैं भी वेट कर रहा हूँ 15 अगस्त का। बोला हॉकी की फिल्म में हॉकी सीखा बस दिन रात, यही वर्कशॉप थी। आजकल इतना हॉकी कर लिया वो सोते सोते भी हॉकी खेल रहे होते हैं। अक्षय कुमार सर के फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट नहीं होता यार, वो सब आप स्टडी कर रहे हो फॉर्मेट। वो एक आर्टिस्ट है, वो कोई फॉर्मेट लेके नहीं चल रहे, वो एक आर्टिस्ट है जिनकी ग्रोथ अगर देखी जाए तो मतलब सराहने से ज़्यादा सराहना पड़ेगा। एंड बहुत अमेजिंग एक्टर हैं, उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो समझ है अपनी क्राफ्ट को, वो बहुत उमदा है। तो ये बोलिए, हम लोग इंडिया में ना गलत शब्द बोल के हर चीज़ को मतलब धुतकार देते हैं। मतलब एक इतना बड़ा सुपरस्टार इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, इतनी अच्छी फिल्में लेके आ रहा है, उसको आपने फॉर्मेट बना दिया। बाबू कोई फॉर्मेट नहीं है, दिल से काम करते हैं वो, मैंने अपने गोल्ड में भी देखा है, बहुत मेहनत करते हैं और एक बहुत अच्छा बड़ा चेंज लेके आए हैं हमारी इंडस्ट्री में। जिस तरह की कहानियाँ इतना बड़ा सुपरस्टार बना रहा है और एक जो एक नया जो एक परिवर्तन आ रहा है कहानियों में, उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अपना नसीब अच्छा मानता हूँ कि मेरे को उनके साथ काम करने को मिल रहा है, उनसे सीखने को मिल रहा है। कोई फॉर्मेट नहीं है, ये शब्द आज अपने डिलीट कर दो लाइफ से। फॉर्मेट इसका होता है रिकॉर्डिंग का, डिलीटिंग का और एडिटिंग प्रोसेस का फॉर्मेटिंग होता है, और कोई फॉर्मेट नहीं है। सो अभी देखा जाए तो आजकल बायोग्राफी का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो सर आपको कभी? मैं तैयार हो रहा हूँ एक, मैं अपनी बायोग्राफी के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो पहले अपना लाइफ ऐसा जीता हूँ कि थोड़ा बायोग्राफी बन जाए, फिर मैं अपनी बायोग्राफी में खुद एक्ट करूँगा। तो कभी मौका मिला तो किसके ऊपर? बताया ना अपने ऊपर, बॉलीवुड में, अपने ऊपर। मैं भी बॉलीवुड में ही हूँ भाई, पीछे हो तो क्या, वो बॉलीवुड में तो हो ना फिर। सो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भाई, अभी तो बताया गोल्ड के बारे में, उसके बाद उसके अभी इतने ही, उसका आप बताइए, इंशाल्लाह और काम मिलेगा। आप दुआ कीजिए कि हमें काम मिले। मैं भी आपके IANS के इंटरव्यू के बाद आज कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर या कोई दुआ लगाया कि भाई इस बच्चे को काम दो। आज आने का बर्थडे, आपको क्या विश करना चाहेंगे आज? वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एंड इट्स माय ड्रीम वन डे आई वुड लाइक टू एक्चुअली बी इन द सेम फ्रेम विद शी इज फैंटास्टिक, शी इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस इन द वर्ल्ड। थैंक यू। ग्लोबल एडवर्टाइजर for innovative outdoor solution. Global as a company, it has never compromised on its service quality
एंड कमिटमेंट एंड दैट इज द रीजन आवर क्लाइंट्स डू कीप ऑन कमिंग अगेन एंड अगेन टू अस फॉर आवर सर्विस. द मिशन ऑफ द कंपनी इज टू राइज ऑन द ग्राफ ऑफ बेटरमेंट फॉर एवरी कैंपेन हैंडल्ड बाय अस. सर, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता. इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं. लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता. ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं. इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी. दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर. ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस.